नारी यदि सरस्वती का किरदार निभा सकती है तो दुर्गा भी बन सकती है। गरियाबंद जिले के बुर्जा बहाल की महिलाओं ने दुर्गा बनकर गांव के लिए कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है। साल भर पहले तक दिन भर नशा जुआ और सट्टा खेलते ही देवभोग के बुर्जा बहाल गांव की पहचान थी। गांव में भी अक्सर झगड़े होते थे, मगर बीते एक साल में यहां सब कुछ बदल गया। गांव का कोई भी व्यक्ति अब ना तो जुआ सट्टा खेलता है और ना ही किसी के घर शराब बनती है। गांव में पूरी तरह से शांति और अमन चैन कायम है और ये सब संभव बनाया है यहाँ की महिलाओं ने। पुरुषों के अत्याचार से तंग आकर साल भर पहले यहाँ की 6 महिलाओं ने बदलाव की बयार शुरू की थी, जिससे अब गांव की 300 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। उन्होंने पुरुषों की बुरी आदतों को पूरी तरह से सुधार दिया है। कहते थे कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, हम लोग इसी बात को तुम्हें सब लोग बोले कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। पहले शराबी लोग आते थे, शोर शराबा करते थे, गाली गलौज करते थे। हमने अपने आस पड़ोस के माहौल को देखा और अपने माहौल को सुधारने की कोशिश की, अपने जो गांव है उनको अच्छा बनाने की कोशिश की। और हम लोग आज इतने सारे लोग हो गए कि कम से कम 300 महिलाएं जुट गई हैं। सभी एक साथ मतलब एकता है सभी में, और जैसे भी दारू बनाने का जो सूचना मिलता है हम लोग को, हम सब एक साथ एकता होकर भिड़ जाते हैं। उनके घर अंदर घुस के सब सामान निकालते हैं, मोमा है, पास है, शराब है, जो भी हो मिल जाता है हम लोग को, तो उसको इकट्ठा करके पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर हमारे गांव में बहुत अत्याचार भी हो रहा था, गरीब महिलाओं को मतलब उनके पति लोग जो चारा ने बिचारी लोग मतलब रोजी यूज करके लाए रहते थे, उसको वो पैसा को लेकर के शराब में उड़ाते थे। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वागत है पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर जुड़ गए। पुरुषोत्तम, शराब मुक्ति का बीड़ा इन महिलाओं ने उठाया था, कैसे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए? जी निश्चित तौर पर ग्रामीण अंचल में इस तरह की कुरोतियाँ जो है वो लगभग सभी जगह समान देखने को मिलता था। और जहाँ इस गांव में एक कॉमन बात ये निकल कर आई, खास बात ये निकल कर आई कि यहाँ महिलाओं ने मोर्चा खोला, क्योंकि इससे पहले जब वो लगातार शिकायत कर रही थी पुलिस को, पुलिस भी इसमें अंकुश लगाने में जब तक कि स्थानीय स्तर पर सहयोग नहीं मिल पा रहा था, तो ये कुरुतियाँ भी दूर नहीं हो रही थी और लगातार झगड़े झांसे होते रहे और विभिन्न प्रकार की बातें आती थी। गांव में अशांति का माहौल फैला हुआ था, तो गांव की 5-6 महिलाओं ने बात कर जो पुलिस महिला है इसका बीड़ा उठाया। उसके बाद धीरे से समूह का गठन किए, देखते देखते 6 महीने के अंदर 300 महिलाओं की जो ग्रुप है बिल्कुल एक नारी शक्ति बन के वहाँ उभरी और वो इस कुरुतियों को दूर करने में बिल्कुल सफल हुई। महिला यहाँ तक कि गांव का मतलब गांव में जिस जगह पे शिकायत मिलती थी उस जगह पे बकायदा रेत भी डालते थे और वहाँ पे रेत डालने के बाद जो शराब की सामग्रियां हैं आते थे, फिर जुआ खेल रहे हैं वहाँ पे भी वहाँ पहुँचते थे और इस तरह से लगातार उनकी दबी बिल्कुल काम आई और सब पॉसिबल हो जाता है। महिला शक्ति जो संगठित थी उसके कारण ये पॉसिबल हुआ। और गाँव में चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुरुषोत्तम। एक्सप्रेस स्पेशल में हैं, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए।